वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय 28th वीडियो ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 7। बच्चों, आज हम डाटा हैंडलिंग में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझिए कि बार ग्राफ क्या होता है। ए बार चार्ट और बार ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड द लेंथ ऑफ डिफरेंट बार्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटेगोरी दे रिप्रेजेंट। टू ड्रॉ ए बार ग्राफ वी ड्रॉ टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बार ग्राफ जो है ये नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसमें रेक्टेंगुलर बार्स का यूज किया जाता है। यहाँ देखिए, आपको जो है बनाना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, डाटा दिया गया है, ईयर है, शुगर प्रोडक्शन है दिया गया है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे टू लाइंस परपेंडिकुलर। यह देखिए एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2006 में कितना दिया है 52, तो इक्वल गैप छोड़ते हैं बीच में। 2007 में कितना दिया है 54, ऐसे ही 2008 में कितना दे दिया है 50, फिर गैप छोड़ दिया है। 2009 में कितना दे दिया है 56, फिर गैप छोड़ दिया है। 2010 में कितना दे दिया है 53। क्लियर। अब देखिए डबल बायोग्राफ क्या होता है। ए डबल बायोग्राफ इज ए बायोग्राफ यूज फॉर डिस्प्लेइंग टू सेट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डाटा फॉर ईच डाटा ग्रुप। इसमें जो है टू सेट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा का यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ देखिए इन्हें पब्लिक लाइब्रेरी द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर रिकॉर्डेड बाय द लाइब्रेरियन इन ए पार्टिकुलर वीक। पब्लिक लाइब्रेरी में जो है लाइब्रेरियन के द्वारा जो है पार्टिकुलर वीक में फ्लोइंग ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ देखिए डेज है, न्यूज़पेपर रीडर्स है, और यहाँ क्या है मैगजीन रीडर्स है। क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है डबल बायोग्राफ, ठीक है। दिया गया है ड्रॉ ए डबल ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। यहाँ देखिए, यहाँ ले लिए डेज ऑफ वीक ले लिए, और यहाँ क्या ले लिए नंबर ऑफ रीडर्स, ये स्केल अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ गैप छोड़ दिए हैं, देखिए यहाँ पर मंडे में न्यूज़पेपर रीडर्स कितना है 400, ये देखिए इसको लेके ऊपर तक ले गए 400, और इसका जो है मैगजीन रीडर्स कितना है 150, देखिए 150, फिर गैप छोड़ दिए हैं, है ना। ट्यूजडे में देखिए न्यूज़पेपर रीडर्स कितना है 600, देखिए 600, और मैगजीन रीडर्स में कितना दिया है 100, फिर गैप छोड़ दिया। आगे भी इस तरह से इसको जो है बनाएंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज इसका जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 देखिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट क्लासेज इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट दिस डाटा ऑन ए बार ग्राफ। यहाँ देखिए 5 डिफरेंट क्लासेज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, उसको आपको दिखाना है बार ग्राफ में, ठीक है। देखिए क्लास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, देखिए इसको हम एक तरह से इसको हम रफली शो कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपको बनाना है ग्राफ पेपर पर, ठीक है, इस तरह से नहीं बनाना है, ग्राफ पेपर पर बनाना है, ठीक है। ये रफ ग्राफ है इसका, देखिए यहाँ क्लासेस हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, यहाँ गैप छोड़ दिए हैं,
एट्थ में कितना दिया है 120, फिर गैप छोड़ दिया है। नाइन्थ में हो गया तुम्हारा 135, फिर गैप छोड़ दिया है। टेंथ में हो गया 150, फिर गैप छोड़ दिया है। एलेवेंथ में हो गया 110, फिर गैप छोड़ दिया है। और ट्वेल्थ में कितना हो गया 100। ठीक है, इस तरह से इसको आगे भी बनाना है। यह चैप्टर बहुत ही आसान है और यह आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, खास करके एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही आसान है और इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।